विद्या विहार लोदीपुर एंड फिजिक्स पॉइंट ग्रोल यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज सभी हम इस वीडियो में पर कैपिटा इनकम के बारे में जानेंगे। एक नया टॉपिक है जो 10th क्लास से रिलेटेड है, प्रति व्यक्ति आय। प्रति व्यक्ति आय किसी देश की राष्ट्रीय आय नेशनल इनकम और कुल जनसंख्या कुल जनसंख्या के अनुपात को प्रति व्यक्ति आय या प्रति व्यक्ति आय या पर कैपिटा इनकम कहा जाता है। इनकम कहा जाता है पर कैपिटा इनकम निकालने का सूत्र इस प्रकार है। देखिए आप लोग, पर कैपिटा इनकम इक्वल टू नेशनल इनकम बाय टोटल पॉपुलेशन ऑफ कंट्री। देश में देखिए किसी देश की राष्ट्रीय आय या नेशनल इनकम और कुल जनसंख्या के जो अनुपात होता है उसको प्रति व्यक्ति आय या पर कैपिटा इनकम कहते हैं। किसी देश की राष्ट्रीय आय और उसके कुल जनसंख्या का जो अनुपात होगा उसी को हम पर कैपिटा इनकम या प्रति व्यक्ति आय कहेंगे। पर कैपिटा इनकम निकालने का यही सूत्र है। ऊपर हम लिखेंगे नेशनल इनकम एंड बटा में लिखेंगे टोटल पॉपुलेशन ऑफ कंट्री, मतलब कि राष्ट्रीय आय और देश की कुल जनसंख्या जो होगा दोनों का अनुपात अगर निकालते हैं अर्थात राष्ट्रीय आय में टोटल जनसंख्या से अगर भाग देते हैं तो प्रति व्यक्ति आय प्राप्त होता है। ठीक है, प्रति व्यक्ति आय विकसित देशों में अधिक होगा और विकासशील देशों में कम होगा। जैसे अमेरिका हो गया, आपको अमेरिका में ज़्यादा होगा प्रति व्यक्ति आय ज़्यादा है, यूएसए अमेरिका जो है, और भारत जैसे देशों में प्रति व्यक्ति आय कम है, लगभग जो है 1.5 लाख के आसपास में है पूरे औसतन अगर बात करते हैं तो। आज गोवा जो है यहाँ भारत में सबसे अधिक प्रति व्यक्ति आय वाला राज्य है, ठीक है, जबकि सबसे कम प्रति व्यक्ति आय जो है वह आता है बिहार का, आता है बिहार और उत्तर प्रदेश दो राज्य का सबसे कम प्रति व्यक्ति आय भारत में सर्वाधिक पर कैपिटा इनकम गोवा का है जबकि सबसे कम बिहार का है। भारत में सर्वाधिक पर कैपिटा इनकम गोवा का है। किसका है? गोवा का है। और जबकि सबसे कम है बिहार और यूपी, लेकिन जो है उससे भी कम, यूपी से भी कम बिहार का है। ठीक है, अगर हम बिहार की बात करते हैं तो बिहार में सबसे अधिक व्यक्ति
व्यक्तियों मतलब प्रति व्यक्ति आय जो है पटना का है, और सबसे कम अगर बात करेंगे तो वो हो जाएगा शिवहर जिला का होगा, ठीक है। बिहार में सबसे कम शिवहर का है, और सबसे अधिक होगा पटना का। बिहार में सर्वाधिक प्रति व्यक्ति आय, प्रति व्यक्ति आय, प्रति व्यक्ति आय पटना जिला का है, जबकि सबसे कम शिवहर जिला का है। ये पटना और शिवहर जिला आप यह ध्यान रखिए, सबसे अधिक पटना, सबसे कम शिवहर, सबसे अधिक पटना और सबसे कम शिवहर, ठीक है। धन्यवाद। अगर हमारे चैनल पर आप लास्ट मतलब पहली बार विजिट कर रहे होंगे तो सब्सक्राइब कर दें, लाइक करें, ठीक है। फिर मिलते हैं अगले वीडियो। विद्या विहार लोदीपुर एंड फिजिक्स पॉइंट ग्रोल यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है।